मुद्दे पे सबसे पहला सवाल हमारा अपने देश के विपक्षियों से है, जो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, जो अपने को सेकुलर कहते हैं और इस मुद्दे पर एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मेरा सवाल है पुरस्कार वापसी गैंग से, जो कि यहाँ इनटॉलरेंस की स्थिति फील करते थे। आज तो सबसे बड़े इनटॉलरेंस की स्थिति भारत के संतों के साथ हुई है, वो भी उस महाराष्ट्र में जो कि बाला साहब ठाकरे का महाराष्ट्र जाना जाता था। आज उस बाला साहब ठाकरे की आत्मा भी रो रही होगी कि हमारे बेटे और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार में तीन संतों के लिए, जिसके लिए हम सदैव संघर्षरत रहे, जिसके हक के लिए बाला साहब ठाकरे ने सदैव आवाज उठाते रहा, आज उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। मेरा सबसे पहला सवाल विपक्षियों से है कि आज चुप क्यों है? अगर एक मुसलमान की हत्या हिंदुस्तान में हो जाती है तो तुरंत सड़क पे आ जाते हैं, और तीन तीन संतों की हत्या हो गई लेकिन एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं, और उनके खरीदे हुए कुछ मीडिया बंधु भी अपने को चुप्पी लगाए बैठे हैं। क्या कारण है? मुझे जवाब दें। नौगछिया भाजपा जिला संगठन की ओर से मैं मांग करता हूं कि जिस तरह की बर्बरतापूर्ण हत्या तीन संतों की गई है, कानून में ऐसा प्रावधान लाकर महाराष्ट्र सरकार ऐसी घटना को अंजाम देने वालों के साथ भी वैसा ही टिट फॉर टैट की नियति अपनाए।